सपना चौधरी के लाइव शोज तो आपने बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन उनकी जो अदाएं हैं उसे जब भी आपने देखा तो बस प्यार ही प्यार दिया है। वो इंडिया की टॉप डांसर आर्टिस्ट जो हैं, उनका हरियाणा का हर एक गाना आप लोगों को बहुत पसंद आता है, उनकी हरियाणवी स्टाइल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हरियाणवी क्वीन तभी तो वो बनी है। सपना चौधरी को आज के समय में बच्चा बच्चा जानता है। सपना चौधरी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चाओं में रहती है। उनका गुपचुप शादी कर लेना लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी से ज्यादा हैरानगी वाली खबर थी। उनकी लव स्टोरी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। सपना चौधरी लंबे अरसे से हरियाणवी सिंगर और आर्टिस्ट वीर साहू के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों एक इवेंट के दौरान मिले थे, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। शादी की कई बार प्लानिंग हुई, लेकिन किसी कारण ये प्लानिंग चलती गई। लेकिन साल 2020 के पहले महीने जनवरी में उन्होंने वीर साहू से शादी कर ली। इस शादी की खबर किसी को भी नहीं हुई। ये शादी चंडीगढ़ में गुपचुप तरीके से की गई। गुपचुप शादी करने के पीछे कारण बताया जाता है कि वीर साहू के फूफा का निधन हो गया था, जिसके चलते वो शादी धूमधाम से नहीं कर पाए। सपना चौधरी की शादी का खुलासा तब हुआ जब अक्टूबर में सपना चौधरी ने बेटे को जन्म दिया। अब सपना चौधरी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बड़े ही खुश हैं और बड़ी ही सुकून के साथ जी रही हैं। सपना चौधरी का आजकल शादीशुदा को लेकर एक अलग ही एल्बम बन रहा है। एक गाने में उन्हें शादीशुदा लाइफ से तंग दिखाया गया है। इस गाने का नाम है गुलदस्ते। गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। गाने में मासूम शर्मा हैं और उनके पति का किरदार निभा रहे हैं, जो निधि शर्मा पर फिदा हैं। सपना को अपने पति के इस अफेयर के बारे में पता होता है, लेकिन वो चुप रहती हैं, कुछ कर नहीं सकती बेचारी। तो सपना चौधरी ने जिस तरीके से ये रोल प्ले किया है, वो रोल काबिले तारीफ है। फैंस उस पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं। हरियाणवी क्वीन कुछ भी करे और फैंस उस पर प्यार ना लुटाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो पर भी ढेर सारे कमेंट, ढेर सारे सुझाव मिल रहे हैं कि सपना चौधरी को और किस तरीके से काम करना चाहिए, सपना चौधरी को अपने छोटे से नन्हे मुन्ने का कैसे ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कमेंट तो ये भी है कि सपना चौधरी बच्चा होने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। तो सपना चौधरी की खूबसूरती को लेकर क्या है आपके विचार, ज़रूर बताएं। ढेर सारे कमेंट करें, सुझाव दें, देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट।